हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिलिशियस। इट्स अ न्यू डे और हम लोग ने आज मैंने सोचा है कि मैं एक नई स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि है आलू गोभी की। ये आलू गोभी सभी लोग बनाते हैं, ये मेरे स्टाइल की आलू गोभी है जो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली रेसिपी है और काफ़ी स्पेशल है। आप सब लोग भी बनाते होंगे, बट ये डिफरेंट टाइप की है थोड़ी, तो मैं आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। सो आलू गोभी है तो बेसिकली आलू और गोभी तो है ही है। मैंने गोभी को थोड़ा ऐसे मोटा काट लिया है, ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करे हैं, सो थोड़ा ऐसे मोटा काट लिया है। और आलू को भी मैंने ऐसे वेजिस की शेप में कट करा है। प्लस उसके साथ में मसाला बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होंगे टमाटर, अदरक, जिंजर, अदरक एंड गार्लिक, और साथ में ग्रीन चिली। और तो पहले मैं इसको आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि इसको कैसे करना है। तो इसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। तो पहले हम लोग वो स्टेप कर लेते हैं और फिर उसके बाद में मसाला कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू देयर। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आलू गोभी बनाने के लिए। तो मैंने ऐसे बड़ी एक कढ़ाई ली है, बड़ी लीजिएगा क्योंकि इजी रहेगा, क्योंकि हमको इसको अगर फ्राई करना है तो हमको इजी रहेगा। तो गैस ऑन करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमको मस्टर्ड ऑयल लेना है, तो मस्टर्ड ऑयल एज यू ऑल नो कि मस्टर्ड ऑयल को हम लोग ऐसे रॉ नहीं यूज कर सकते, इसको थोड़ा सा बर्न करना होता है। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, पहले ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा मे बी यू कैन से 2-3 टेबलस्पून के आसपास। तो उसको धुआं आने तक हमको थोड़ा सा गर्म करना है अच्छे से, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल रॉ होता है और नहीं तो अदरवाइज उसकी स्मेल आती है अगर वो पूरा हम उसको कुक नहीं करेंगे। तो इसको पहले थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद में हम एक एक करके पहले गोभी को फ्राई करेंगे, उसके बाद में आलू को फ्राई करेंगे। बट इसको पहले थोड़ा गर्म होने देते हैं एंड देन आई विल सी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखो थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो गया मस्टर्ड ऑयल में से, तो गैस को हम सिम कर देंगे और मूव इट फ्रॉम द अनदर स्टोव। अपने कढ़ाई को मूव कर लीजिए क्योंकि अदरवाइज काफ़ी गर्म होगा। गोभी को मैंने थोड़ी देर पहले काट के और धो के रखा था, तो मैंने इसको सुखा लिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो वो बहुत सारी छींटे आएंगी आपके ऊपर, तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो कोशिश करिएगा जब भी आलू गोभी बनानी हो तो उसको पहले से ही काट के धो के सुखा के रख लें, क्योंकि उससे प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाएगा। और सेम प्रोसेस मैंने आलू के साथ में भी करा है। आलू को मैंने राइट अवे अभी कट करा है, नहीं तो आलू एज यू ऑल नो कि आलू काला पड़ जाता है, तो मैंने इसको अभी ऐसे ही करा है। तो पहले हम आलू कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज गोभी के छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे ऑयल के अंदर, तो हम पहले आलू कर लेते हैं। तो अभी तेल गर्म है, मैंने गैस से हटा दिया है, सो लेट्स पुट एवरीथिंग टुगेदर। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमको आलू को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑलमोस्ट हो गई है, आलू हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। हमको ज़्यादा नहीं करने हैं क्योंकि वो मसाले के साथ में भी होंगे, तो उसको आप ऐसे किसी पेपर टॉवल पे निकाल लीजिए, किचन पेपर टॉवल पे। सो लुक एट दिस फ्रेंड, हमारे आलू हो गए हैं। अब हम इसी ऑयल में हम लोग गोभी भी डाल देते हैं हमारी। अगर आपको लगे कि गोभी ज़्यादा है तो आप इसको दो बैचेस में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, गोभी को ब्राउन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गोभी वैसे ही काफ़ी सॉफ्ट होती है और उसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो गोभी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप उसको ध्यान रखिएगा और बीच बीच में हिलाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वाली भी गोभी हो गई है, मैंने दोनों डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में करी थी, गोभी थोड़ी ज़्यादा थी, तो ये भी हो गई है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं सेम ऐसे ही पेपर टॉवल के ऊपर। आलू भी हो गए हैं, गोभी भी हो गई है, और जैसे कि मैंने आपको मसाले के लिए बताया था कि मैंने जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिलीज और टमेटोज लिए हैं, तो मैंने जिंजर गार्लिक को भी ग्रेट कर लिया है। ग्रीन चिलीज को ऐसे थोड़ा मोटा करके मैंने स्लाइस करा है, और टमाटर का भी मैंने ऐसे प्यूरी कर ली है, फ्रेश टमेटोज की प्यूरी कर ली है। तो चलिए अभी साथ में इसका मसाला बनाते हैं। तो पहले गार्लिक को फ्राई कर लेते हैं। देखिए गार्लिक हमारा हो गया है, इसी के साथ में हम जिंजर भी डाल देंगे।
ओके, अभी जिंजर गार्लिक हमारे हो गए हैं, इसी के साथ में हम इसमें फ्रेश जो टमाटो प्यूरी करे थे वो डाल देते हैं। मैं इसमें साथ में थोड़ी सी टमाटो प्यूरी डालना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप थोड़ी सी टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं अराउंड 1-2 चम्मच के करीब। और अब इसी के साथ हम इसमें हमारे मसाले डाल देते हैं। मसाले बहुत ही बेसिक जो आप घर में यूज करते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, नमक आपके स्वाद के अनुसार जितना आप लोग नमक खाना पसंद करते हैं, मैंने अराउंड 1.5 टीस्पून डाला है। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर अराउंड वही 1/2-1.25 चम्मच के आसपास डाला है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें साथ में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे। आलू गोभी के अंदर कसूरी मेथी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो हम उसको हमेशा हाथ में ऐसे पीस कर डालिएगा। अब हम 10 मिनट के लिए इस मसाले को गैस को सिम करके छोड़ देते हैं ढक के। ओ देखिए कितना अच्छा हो गया है हमारा मसाला। फ्रेंड्स, मसाले का तेल छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज अगर उसने अच्छे से तेल नहीं छोड़ा मसाले ने, तो फिर आपकी गोभी में उतना स्वाद नहीं आएगा जैसे हम लोग ढाबे स्टाइल और शादी स्टाइल में हम लोग खाते थे इंडिया में। तो थोड़ा गैस को तेज करते हैं और एक बार इसको उबाला दिलाते हैं अच्छे से। चलिए अब इसके अंदर हम हमारे आलू और गोभी ट्रांसफर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी कितना अच्छा कलर आया है हमारी आलू गोभी का। अब इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर हमारी जो हमने ग्रीन चिली स्लाइस करके रखी थी स्लिप करके, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हमको ये मसाले के अंदर अराउंड 10-15 मिनट तक पकाना है ताकि आलू और गोभी अच्छे से मसाले में मिल जाएं और वो उसमें पूरा स्वाद आ जाए। तो अभी इसको 5-10 मिनट और ऐसे ही हम लोग गैस को सिम करके इसको हम ढक देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारी आलू गोभी ऑलमोस्ट हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है गोभी का और बिल्कुल बिल्कुल बाजार जैसी और ढाबा स्टाइल लग रही है जैसे शादियों में हम लोग खाते थे इंडिया में। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा और एक बार इसको लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। तो हमारी आलू गोभी बन के एकदम रेडी हो चुकी है, अभी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए हमारी आलू गोभी की सब्जी एकदम रेडी हो गई है और ये यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो डू ट्राई इट एट होम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशंस बटन। मैं नई नई रेसिपीज आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूंगी और ये प्लीज ट्राई रेसिपी ट्राई करके मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई कि आपको पसंद नहीं आई, या आप कोई डिफरेंट रेसिपीज देखना चाहते हैं। So try this at home and until next time, take care, bye.